नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। और मेरी बहन की लड़की है कंचन कुमारी, हम उसका एग्जाम है नगेंद्र झा में, उसका एडमिशन था अंजबी सी कॉलेज में, हम उसका एग्जाम था तो हम उसको गए थे लाने के लिए। दिनारा से 14 किलोमीटर आगे सरना टोला है, वहाँ से हम इसको लेकर के आए। रास्ते भी थोड़ा सा जाम उम था, हम आए तो इस वहाँ एक गेट है, उस पार गेट, तो हम लोग वहाँ पे सबसे पहले गए। वहाँ पे गए तो देखे कि गेट बंद था, जबकि हम वहाँ 9 बजे पहुँचे तो वहाँ पे पूरा देर तक चिल्लाए गेट खड़े, तो बोले वहाँ के मजिस्ट्रेट कि तुम जाओ उस गेट से आओ। हम लोग फिर वहाँ से फिर हम लोग आए यहाँ पे, आते आते 4-5 मिनट मेरा लेट हो गया, वहाँ से आए थे गेट बंद हो गया था। हम लोग पूरा रिक्वेस्ट किए कि सर मेरा गेट खोलिए, बच्ची को अंदर जाने दीजिए, परीक्षा देना है। फिर भी मेरी बेटी अंदर चली गई, अंदर जा करके उसको वहाँ पे 2 पुलिस थी, वहाँ पे उसको दोनों तरफ से पकड़ ली, नहीं जाने दी हॉल के अंदर। वहाँ पे पूरा देर तक उसको खड़ा किया गया, उसको पूरी तरह से जलील कर दी दोनों लोग मिल करके, तुम गंवार हो, तुम पढ़ाई का मरम क्या जानोगी तुम। आपको किसने सूचना दिया जब पहला गेट पे आपने गया, तो आपको किसके द्वारा बताया गया कि आप अगले गेट से आइए? वहाँ के मजिस्ट्रेट बोले कि तुम छत पर से बोले कि तुम जाओ उस गेट से, तुम आओ। हम उस गेट से आते आते अपनी बच्ची को लेकर के आए तो थोड़ा सा विलम्ब आए थे, यहाँ पे गेट बंद था। हम पूरा रिक्वेस्ट किए कि सर मेरी बच्ची का एग्जाम है, मेरा एग्जाम देने दीजिए, तो वो लोग बोले कि नहीं खुलेगा। हम आ रहे हैं सर से पूछ के, सर वहाँ पे बोले मेरे कि नहीं गेट नहीं खुलेगा। इतने में हम लोग पूरा देर तक पूरा यहाँ पे, फिर मेरी लड़की चली गई अंदर, अंदर से जाकर के कह रहे हैं कि उसको पूरा इतना रुलाए। जब बच्ची अंदर गई उस वक्त समय क्या हो रहा था? उस वक्त समय हो रहा, समझती है अपने बेटी के बारे में माँ क्या होती है, हम लोग भी जानते हैं माँ क्या होती है। एक तो माँ लिया कर आई है अपने बेटी को, माँ माँ होती है, लेकिन कितने दिल से रो रही होगी अंदर से माँ, हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बच्ची को देख लीजिए कि अच्छे चेहरे पे पूरे रो रही है और आंसू इनकी आंखों से टपक रहा है। कुछ ना कुछ गए थे, अंदर भी चले गए थे किसी तरह से, भैया लोग बोले कि चले जाओ अंदर, नहीं जाए आने देंगे। फिर हम गए तो उधर से बोल रहे कि गवार हो वो हो, वो नहीं है जाने दी मुझे अंदर, हाथ लिख लूंगी 1 घंटे में कुछ भी लिख लूंगी, प्लीज मैम मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। प्लीज मैम मुझे जान दीजिए, नहीं जान दी तो मैं सुसाइड कर लूंगी, प्लीज प्लीज जान दीजिए। छोटी सी बात थोड़ी ना, मैं लेट भी नहीं हूँ, फिर भी ये लोग कैसे कर दिए। प्लीज आपसे निवेदन है, मुझे करा दीजिए, हम बैठ जाएंगे कुछ भी लिख लेंगे हम, प्लीज मैम। प्लीज मैम प्लीज प्लीज, हम बहुत दूर से हैं, प्लीज प्लीज मैम, रिश्तेदार भी सुनेंगे तो मुझे हंसेंगे प्लीज। प्लीज मैम प्लीज कुछ भी करती।